हेलो, कैसे हैं? स्वागत है आज क्लासेस में। आज बीएससी वेस्ट में क्वाड्रेचर का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ ट्रिक्स और क्वेश्चन आपको डिस्कस किए थे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मूले से, डिस्क्रिप्टिव मेथड से और ट्रिकी मेथड से। ओके, उसी का कुछ और ट्रिक्स हमारी बनती हैं। उनके अकॉर्डिंग हम दो कर्व से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे हम, ठीक है? तो पिछला लेक्चर आपने देखा होगा। अब वहां रीजन हमारी कंडीशन थी सेम, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। और यहां देखो ट्रिक हमने लिखी है, वो बाई एक्सिस, जब बाई एक्स की पावर इवन होती है तब कर्व हमारा बाई एक्सिस पर बनता है, ठीक है? तो वहां जो ट्रिक है हमारी उलट जाती है। जैसे पहली ट्रिक लिखी है हमने, एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर बराबर 4ay एंड वाई प्लस टू एम एक्स इच, ठीक है? तो यहां देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक्स की पावर सम है तो ऐसे करके कर्व बनेगा, लाइन वही रहेगी, ठीक है? तो थोड़ी सी पोजीशन इसमें एक्स के अबाउट की बजाय वाई के अबाउट हमारा कर्व बनना है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो बाउंडेड रीजन है, इसका जो एरिया रहता है, पिछले वाले का तो रहता था 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब, इसमें क्या रहता है 8/3 ए स्क्वायर इंटू एम क्यूब यूनिट स्क्वायर, ठीक है? बात समझ आ गई। दूसरा, एरिया बिटवीन बाय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उसमें क्या था, 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब इंटू 27, इसमें क्या रहता है 8/3 ए स्क्वायर इंटू एम क्यू इंटू 27, ठीक है? हाँ। तीसरा, एंगल एरिया बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इक्वल टू 16/3 ए स्क्वायर। देखो गलती से पिछले लेक्चर में शायद यहाँ ए लिख गया था, यहाँ बी होगा, ठीक है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b, वाई का जो एरिया होता है 16y3ab होता है। अब दोनों ही जगह जब ए हो जाता है तो ए स्क्वायर हमारा आ जाता है। ओके, तो पिछले लेक्चर में आप देख लेना, कुछ मिस्टेक यहां लग रही थी हमें, यहां ए लिख गया था, ये सेम लिख गया था, या फॉर्मूला ए बी वाला लिख गया था, ठीक है? हाँ। अगली ट्रिक हमने जो बनाई है, एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक लाइन दिया होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। तो जो इसके इंटरसेक्ट पॉइंट है वो सेम है, एक्स अक्ष पर ही भी ए दूरी इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस पर भी ए दूरी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप से जो एरिया निकलता है, बाउंडेड एरिया, वो कितना होता है पाई माइनस टू ए इंटू ए, एक्स अक्ष और ये वाई एक्सिस, ए इंटू ए बाई 4। यदि ये एक्स अक्ष पर कटांतर खंड और वाई अक्ष पर कटांतर खंड तुम्हारा डिफरेंट है, जैसे जो इलिप्स है ये सर्किल था, ये क्या है इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड लाइन एक्स अपॉन ए बाई अपॉन बी इक्वल टू 1, एरिया बिटवीन एरिया क्या हो जाएगा पाई माइनस टू ए बी बाई 4, ठीक है? तो देखो माइनर मिस्टेक कहीं हो भी जाती है, उसको जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग देख लिया करो, ठीक है? तो देखो अब इस पे इंपॉर्टेंट, हमने जो अपने आप में क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं, ठीक है, ये खुद ही पूछे गए हैं, ठीक है, सभी में पूछे गए हैं ये। पहले तो इन्हीं को डायरेक्ट आप फॉर्मूला है जो फॉर्मूला की तरह याद रखें, और इनसे रिलेटेड जब सवाल मिलता है तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से आपके लग जाते हैं। नहीं तो इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड तो तुम देखा ही, हमने दो क्वेश्चन लगवाया भी है। तो पहला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी 13 में पूछा गया है, यूपी टीजीटी और केवीएस पीजीटी में पूछा गया है, केवीएस पीजीटी में 18 में पूछा गया है एरिया बिटवीन। तो देखो फर्स्ट का आंसर लिख रहा है, एक कर्व दिया है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक है, इस और एक लाइन दी है वाई इक्वल टू 2x। तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ट्रिक इसमें भर दो, पहला ट्रिक भर दो,
इसकी कंपैरिजन कर दो y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, कंपैरिजन करो तो हियर 4a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1y 4 हो गया, और इसकी कंपैरिजन कर दो y इक्वल टू mx, तो m इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा फिर, बिटवीन एरिया, एरिया हमारा ये होता है 8y3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 1/4 का स्क्वायर, एम स्क्वायर एम क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब, ठीक है, 2 2 4 2 8, तो 8 upon 3 into 16 into 2 2 4 2 8, 8 2 16 2 6 8, 4y3 हो जाएगा, 4y3 ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको ट्रिक पता है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे, ओके। इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखो आप चैनल पर रेगुलर रहिए, कोई भी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा एग्जाम से रिलेटेड जो हम ना लगवा, ठीक है, हर पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और जिस क्वेश्चन की ट्रिक बन सकती है या बनाई जा सकती है या मिल जाती है तो उसको आप अवश्य यहां पर मिलेगी आपको, ठीक है। हाँ, जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड। अब देखो सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है आया हुआ है। एक कर्व दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक लाइन दी है 2x+3, ठीक है, इसका कंपेयरिंग कर दो x स्क्वायर बराबर 4ay से, तो 4ay बराबर 4, a बराबर क्या रह गया, 1 रह गया, ठीक है। इसका कंपेरिजन कर दो mx, इसे mx प्लस c से, तो m इक्वल टू 2 हो गया, c इक्वल टू 3 हो गया, ओके। इसलिए एरिया क्या रह जाएगा, एरिया इस टाइप का 8y3, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है तुम्हारा 1 का स्क्वायर, m क्यूब 2 का क्यूब इंटू 27, तो 3 से 9 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 2 ये 8 हो गया, 2 2 4 2 8 हो गया, 9 72 into 8, 16 बचा एक, इतने स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये अब इसमें कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यदि आपको तरीका पता है तो आप आराम से इन्हें लगा ले जाएंगे, ओके। अब देखो क्वेश्चन थर्ड को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है तुम्हारा, एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर, दोनों ही कर्व दिए हैं, ये x की पावर y की पावर सम है, तो x एक्सिस पर बनता है, तो इसकी कंपैरिजन कर दो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/4, और इसकी कंपैरिजन कर दो x स्क्वायर बराबर 4ay से, तो 4a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/4, 1/4, तो a सेम है ना, तो इसका जो एरिया एक से ही मिल जाता है, ये तो इस टाइप का जो फॉर्मेट है तुम्हारा, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16/3 ए स्क्वायर, ए की जगह 1/4 का स्क्वायर, 16/3 इंटू 1/16, 16 से 16 कट गया, 1/3, दिस इज ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके ट्रिकी मेथड में, और क्वेश्चन देखो और ट्रिक लिखी है उन पर लिखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। हाँ देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन थर्ड हो गया था, फोर्थ नंबर डालना है इसको, एरिया ऑफ द रीजन
एरिया ऑफ द रीजन, रीजन कितना दिया है, रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 42, 40 नहीं 4 दिया है, 4। एंड लाइन एक्स प्लस टू बराबर नहीं एक्स प्लस वाई बराबर 2, वाई इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसका एरिया रीजन जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो आंसर लिखते हैं, आंसर आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे इसके, तो इसको हम देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये ट्रिक हमारी कौन सी लग रही है इसमें, ये फोर्थ ट्रिक लग जाएगी इसमें, कौन सी फोर्थ ट्रिक। तो एरिया रीजन बाउंडेड रीजन है उसका कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 ए, ए की जगह कितना है 2 इंटू 2 वाई 4, 4 से कट ऑफ हो गया पाई माइनस, दिस इज आंसर पाई माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। ओके एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप इजीली इसको बना पाएंगे। ओके एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एरिया ऑफ द रीजन, इसको इरेज करते हैं, फाइव क्वेश्चन मानने से एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, रीजन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 7 वाई स्क्वायर अपॉन रूट 5 इक्वल टू 1 एंड लाइन एक्स अपॉन रूट 7 वाई अपॉन रूट 7 5 इक्वल टू 1 इच। ठीक है ये है इसका एरिया पूछा है। तो देखो ये नहीं, इसमें रूट हटा दें आप, क्या कर दें रूट हटा दें, ये है क्वेश्चन। ठीक है रूट नहीं है इसमें, ऐसे करके पूछा गया है। तो देखो हमारा जो ट्रिक नंबर 5 है वो अप्लाई होगी इसमें, ये इलिप्स है, इलिप्स है क्या नहीं है, 5 बराबर 1, ठीक है 5 बराबर 1 और ये है एक्स अपॉन ए, ए की जगह ए स्क्वायर, हाँ इसमें रूट होगा तभी बात बनेगी, इस टाइप का ही फॉर्मेट होना चाहिए तभी ये ट्रिक लग पाती है भाई। ठीक है तो देखो ये हमारा ट्रिक नंबर हमारी फिफ्थ अप्लाई हो जाएगी। हियर ए इक्वल टू कितना है रूट 7 और b इक्वल टू कितना है रूट 5, इसलिए बिटवीन एरिया इक्वल टू पाई माइनस 2 a इंटू बी रूट 7 इंटू रूट 5 बाई 4, तो 30 इसको लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं भाई आंसर, एरिया हो जाएगा पाई माइनस 2 और रूट 30 5 बाई 4, दिस इज आंसर। ओके स्क्वायर यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको डिस्कस किए हैं, और ट्रिक इसकी बनती है उनको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इसे अच्छे से बात करें। ओके बाय।